नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूँ आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और आज मार्केट एक्शन काफी शानदार देखने को मिला, अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली, लेकिन पूरा दिन भर का सेटअप कैसा रहा ये समझने के लिए यहाँ से चलते हैं सीधे प्रियंका के पास। प्रियंका बताइए। देखिए, आज जब गैप डाउन खुला उसके बाद बाजार पर शायद थोड़ा दबाव रह सकता है इस तरह की उम्मीद थी, लेकिन इतनी स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। पहले इनिशियल डिप्सी बॉट हुए और पहले एक घंटे में तो आपने रिकवर होते हुए बाजार को देखा। पहले बैंक निफ्टी रिकवर हुआ और फिर निफ्टी ने, क्योंकि उसे आईटी और रिलायंस से एक जो ड्रैग डाउन मिल रहा था वहां पर भी आपको शार्प रिकवरी देखने को मिली। आज बैंक्स ने क्लियरली आउट परफॉर्मेंस दिखाई। 41,400 के पास आपको बैंकिंग इंडेक्स बंद होते हुए दिखाई दिया और इसमें लीड जो स्टॉक्स ने किया वो इंडसइंड बैंक, कोटक, एसबीआई जैसे काउंटर्स ने आज बाजार को सहारा दिया ऊपर की तरफ। इनफैक्ट पहले पांच बड़े काउंटर्स की आप बात करें तो उनमें आपको बैंक से, लार्ज कैप बैंक से इंडसइंड बैंक, एसबीआई, ये सारे काउंटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आप अगर विपरीत और इसके अलावा कुछ पावर स्टॉक्स थे जैसे एनटीपीसी, इनफैक्ट एनटीपीसी तो अपने 52 वीक हाई के पास चल रहा है। पावर ग्रिड ये दूसरे स्टॉक थे जहां पर आपको अच्छी मूव देखने को मिली। ड्रैगर्स कौन से थे बाजार के लिए? आईटी पैक ने आज बाजार को अच्छा खासा नीचे खींचा, वीक सेक्टर, और साथ ही जिस तरह से गोल्डमन सैक्स की रिपोर्ट आई उसके बाद आप अगर ड्रैगर्स की बात करें तो पहले पांच लूजर्स जो हैं उसमें चार काउंटर्स तो सिर्फ आईटी पैक से हैं। इंफोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक, ये सारे आपको बाजार जो जिन स्टॉक्स ने बाजार को कमजोरी दी ये वो सारे स्टॉक्स हैं। मिड कैप में अगर बात करें कि मिड कैप में एक्शन आज कहां देखने को मिला, होल्डिंग कंपनी के स्टॉक्स में आपको फिर से अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। और टाटा होल्डिंग, ये तो टाटा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, ये तो अपने 52 वीक हाई के पास भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सीमेंट काउंटर्स में जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसे मिड कैप स्पेस की आप बात करें, वेदांता ने एक अच्छी मूव दिखाई सेकेंड हाफ में, वहां पर 10-11% की मूव देखने को मिली। और कल्याण ज्वेलर्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जो मिड कैप के स्ट्रॉन्ग गेनर्स रहे। इसी के अलावा अगर आप इसी के साथ अगर आप लूजर्स की बात करें तो वहां पर आपको स्टॉक्स लाइक LTTS में एक गिरावट देखने को मिली मिड कैप स्पेस में, क्योंकि आज आईटी बहुत वीक दिख रहा था और उसके अलावा कुछ और दूसरे स्टॉक्स भी हैं। 52 वीक हाई पे इस वक्त आपको कुछ लॉजिस्टिक काउंटर्स भी दिख रहे हैं, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, वहां एक बड़ी मूव देखने को मिली। और टाटा इन्वेस्टमेंट, बजाज होल्डिंग, ये सारे 52 वीक हाई पे कारोबार कर रहे हैं। और कल्याण ज्वेलर जैसे स्टॉक है जिन पर बाजार आज दिन भर बेहद अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। तो 18,000 से कुछ नीचे पॉइंट्स तो जरूर बंद हुए, लेकिन आज क्लियरली बाजार ने जो स्मार्ट रिकवरी दिखाई और एक बार फिर से प्रूफ किया कि यूएस मार्केट के सेंटिमेंट्स को बिल्कुल भी अब इंडिया जरूर कैरी कर सकता है लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं होने देता है। और आप स्मार्ट रिकवरी आज बुल्स के हाथ में था आज का दिन कहना चाहिए। बिल्कुल, तो आज का जो दिन था तेजी वाले शेयर्स ज्यादा देखने को मिले और कमजोर ग्लोबल क्यूज के चलते हमने देखा कि शुरुआत कमजोरी के साथ जरूर हुई थी लेकिन वहां से काफी शानदार रिकवरी देखने को मिली। और सबसे अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिला बैंक निफ्टी में, जिस जो कि आज हरे निशान में क्लोजिंग जहां पर देखने को मिली और निचले स्तरों से करीब करीब 1,000 अंक की रिकवरी यहाँ पर देखी गई है। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी अभी आपको प्रियंका बता रही थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों पर और मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू भी आपको सुनवा देते हैं। हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहे बादशाह से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बाजार के लिए अभी भी महंगाई एक बड़ा रिस्क है। उन्होंने कहा कि महंगाई का असर बाजार में अगली 1 से 2 तिमाही तक बरकरार रहेगा। यूएस में इन्फ्लेशन के आंकड़े हमने देखे और जिससे वो नर्वसनेस आई है वो लगभग हमारी मतलब एक्सपेक्टेशन में थी। हम कुछ समय से यही सोच रहे थे कि ये जो मार्केट में हमने रैली देखी है न केवल इंडिया में, तो इंडिया में तो हमने पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूस रैली देखी है लेकिन अभी जो रिसेंटली पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में ग्लोबल रैली भी हुई थी ऑन दी एक्सपेक्टेशन के इन्फ्लेशन का डेटा शायद बेटर आएगा या ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए हैं वगैरह वगैरह। बट जो कंटिन्यूइंग रिस्क जो है या जो मार्केट के सामने थे पिछले कुछ महीनों से वो एक हद तक मार्केट समझने लगा था कि शायद वो कम्प्लीटली आउट ऑफ रेकनिंग हो गए हैं या दे आर ऑफ द टेबल, बट एक्चुअली वो ऐसा है नहीं। सम ऑफ द रिस्क आर स्टिल लर्किंग एंड दे आर देयर एज पार्ट ऑफ द सिस्टम, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो, और चाहे वो ग्रोथ की समस्या हो या पॉसिबिलिटी ऑफ स्लो डाउन इन ग्रोथ हो पर्टिकुलरली इन ग्लोबल मार्केट्स। तो ये जो आंकड़े कल हमने देखे इन्फ्लेशन के बारे में वो प्रॉबेबली एक तरीके से एक ग्रिम रिमाइंडर है कि भाई ये रिस्क अभी तक
पूरी तरीके से टेबल से गायब नहीं हुए हैं। एंड ये एक जो प्रोसेस है ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड उसके लगते हुए जो भी इम्पैक्ट ग्लोबल ग्रोथ पे आने वाला है, ये एक प्रोसेस अभी भी जारी है और शायद उसके लिए और एक एक से दो क्वार्टर का समय लग सकता है। और उस दौरान एक मार्केट में बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यूएशन अगर बहुत ज्यादा हद तक आगे बढ़ जाते हैं, स्पेशली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो एक पुल बैक या एक रियलिटी चेक की जरूरत न केवल ग्लोबल मार्केट्स को बट इंडियन मार्केट्स को भी शायद जरूरत लगेगी। फेयर पॉइंट। आप इन जनरल जो जितना भी डेटा आता आया है अभी तक लास्ट कुछ महीनों में, क्या आप इस बात से इस बात को मानते हैं कि इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री यूएस में यहाँ से नेगेटिव की तरफ है? उसका रेट ऑफ चेंज भले ही ऊपर नीचे हो सके क्योंकि वो कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रेजेक्ट्री इज ऑन द लोअर साइड, या अभी ये भी कहना शायद काफ़ी ज़्यादा प्रीमेच्योर होगा? देखिए, तो एक समस्या इसमें इस एक किसी एक तरफ का कॉल लेने के लिए ये आ रही है कि एक तरीके का फेड और कंज्यूमर, यूएस कंज्यूमर पर्टिकुलरली अगर अपन हम देखें, हम उसके बारे में बात करें, तो एक बैटल चल रही है। एंड हुआ यू है कि एट वन लेवल फेड इज कमिटेड टू ब्रिंगिंग डाउन इन्फ्लेशन एंड उन्होंने बहुत सारे ओकेशंस पे अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि हम वी विल डू वॉट एवर इट टेक्स इन ऑर्डर टू गेट इन्फ्लेशन इन कंट्रोल, और हम इंटरेस्ट रेट हाइक करते आ रहे हैं। वो लगभग हमेशा से हमारी समझ में थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब तक के जो रेट हाइक हुए हैं उससे कुछ हद तक स्लो डाउन ग्लोबल मार्केट्स में और ग्लोबल इकोनॉमीज में और यूएस इकोनॉमी में जरूर आया है, लेकिन उस हद तक नहीं आया है जहाँ जहाँ ऐसा माना जा सके कि फेड अब यहाँ से कुछ सॉफ्टनिंग दिखाएगा या इंटरेस्ट रेट्स की प्रक्रिया में अभी एक बहुत बड़ा सॉफ्टनिंग आ जाएगा। वो शायद मानना डिफिकल्ट है क्योंकि यूएस कंज्यूमर बहुत ही स्ट्रांग है, और न केवल वो कोविड के पहले वो स्ट्रांग था बट ड्यूरिंग कोविड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, हो गया है। तो आई थिंक ये जो बैटल है वो शायद थोड़ा और लंबा चल सकता है, और हमें कभी कभार ऐसे डेटा आते आ, आ, हमारे सामने आएंगे जो कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ने चाहिए, कभी कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स आएंगे जो कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ेंगे लेकिन साथ ही साथ ग्रोथ भी बहुत ज्यादा स्लिप डाउन नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये डायनामिक्स जो है वो कुछ हद तक और कुछ समय तक और चलेगा टू बी एबल टू डिसाइसिवली से कि इन्फ्लेशन आने वाले रीडिंग में कम हो जाएगा, वो शायद थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन ऑन अ ट्रेंड बेसिस क्लियरली जो 8.5-9% इन्फ्लेशन यूएस या हमने यूरोपियन इकोनॉमीज में भी जो देखा है, वो मुझे लगता है कि मॉडरेट तो जरूर होगा, स्पेशली विद ऑयल प्राइसेस हैविंग कम डाउन, कमोडिटी प्राइसेस हैविंग कम डाउन, तो एक इवेंचुअलिटी है। एंड बेस इफेक्ट भी कहीं ना कहीं आगे जाके आप हमें आने वाले 2 या 3 क्वार्टर में दिखाई देगा, लेकिन टू जूम इन टू द नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स एंड से के 8.5% इन्फ्लेशन 6% हो जाएगा, वो शायद एक हद तक थोड़ा ब्रावाडो होगा मेरे हिसाब से। और आज रेमंड के मैनेजमेंट से भी हमने खास बातचीत की। कंपनी के ग्रुप सीएफओ अमित अग्रवाल ने हमसे बातचीत में कहा कि कुल इन्वेंट्री का 70% हिस्सा बिक चुका है और कंपनी 2-3 साल में कर्ज मुक्त हो जाएगी। अगर टोटल इन्वेंट्री जो हम बना रहे हैं वहाँ पे 4 मिलियन स्क्वायर फिट, उसमें 65-70% हमारे इन्वेंट्री बिक चुकी है और 80% लॉन्च्ड इन्वेंट्री की बेच चुके हैं। तो बट कैश फ्लो आना बाकी आगे आने वाले समय में। कैश फ्लो भी क्या होता है, जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये सारे माइलस्टोन लिंक्ड पेमेंट है, तो इसके कारण क्या होता है कि कैश फ्लो बहुत फास्ट है। हम जो लोग स्लैब जनरली इंडस्ट्री में स्लैब 15 दिन में कास्ट करते हैं, वी आर एबल टू कास्ट इन 7 डेज। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि कैश फ्लो फास्ट हो गया। तो अभी एज वी स्पीक टूडे हमारा जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो नेट कैश पॉजिटिव पे बैठे हुए हैं। नॉट कि नहीं तो जनरली ये एक्सपेक्टेशन होती है कि रियल एस्टेट बिजनेस में डेट होएगा, आज हम नेट कैश पॉजिटिव पे बैठे हुए हैं। और ओवरऑल डेट रिडक्शन पे भी तो बहुत फोकस है कंपनी का। वो तो है ही है। और अगर आप देखिए तो पिछले 2 साल में पैंडेमिक में करीब करीब 700 और 750 करोड़ हमने डेट रिड्यूस कर दिया है। एंड हमारा बहुत क्लियर विजन है कि नेक्स्ट 2 से 3 2.5 साल में वी विल बी अ डेट फ्री कंपनी। और जेपी मॉर्गन के जहांगीर अजीज ने हमसे खास बातचीत में कहा कि महंगाई के बड़े आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। उनके मुताबिक महंगाई से फेड के स्टांस में बदलाव नहीं होगा।
The month before this, when inflation surprised on the downside, we all went and said, well, you know, the Fed will take off its brake, off its accelerator. You required almost all the FOMC members to go on and verbal guidance saying that that was wrong. In fact, till, and you had the Jackson Hole meeting where Powell laid out that, you know, that is not the way in which they're looking at the world. I think the fact that the inflation surprising the upside has some meaning to it, but I do not think it alters the course that has been laid out by the Fed. And I think, you know, 75 basis point is probably what's going to take place in next week. What is interesting, or what will, what the market will look for, is that what does the Fed say about the next set of rate hikes in November and beyond? And I think that's where most of the conversation will be and the attention will be. But really, India right now, including the RBI, should be worried about the rise of twin deficits. That amidst all of this, we sort of forgotten that, you know, we have a fiscal deficit that's state plus center that's running around 11.5-12% of GDP. We have a current account that's running at 4%. India can't sustain current accounts at 4% level. We are usually at 2.5% of GDP. We sort of, you know, at that edge. 4% of current account deficit is not sustainable. And I think the issue of macroeconomic stability, I think, should be the one that RBI should be focusing on rather than narrowly on inflation. And to what extent does interest rate or its own intervention policy mitigate or worsen that macroeconomic stability? I think that should be what the RBI should be grappling with at this point in time, rather than whether they should move 35 or 50 because inflation is at 7%. और आज हमने देखा कि लॉजिस्टिक का शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली. इसके पीछे की वजह क्या है और आगे के लिए क्या ट्रिगर्स हैं, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ अंकिता जुड़ चुकी हैं एक रिसर्च लेकर. अंकिता बताइए. आज लॉजिस्टिक स्टॉक्स फोकस में हैं, आज लॉजिस्टिक स्टॉक्स बस कर रहे हैं. अगर हम देखें तो ऑल कार्गो आज 5% ऊपर है, गेटवे 10% ऊपर है और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स भी 5% ऊपर है. अब इन स्टॉक्स का बस करने का क्या कारण है, इनमें अच्छी मूवमेंट देखी जा रही है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री हमारी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी रिलीज़ करने वाले हैं. इसके बारे में हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने भी कहा था कि जो नई पॉलिसी है इसका एम यह है कि हमारी कंट्री में जो गुड्स का मूवमेंट है उसे और भी सीमलेस और आसान बनाएंगे. नाउ ये हमारा ये जो सेक्टर है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. अगर देखा जाए तो इस सेक्टर में 20 गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन है, 200 शिपिंग कंपनीज़ हैं और ये सेक्टर 22 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है. इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस सेक्टर का जो कॉस्ट है उसे कम किया जाए. तो अभी जो करंट लेवल्स हैं इसके कॉस्ट के करंट लेवल्स हैं 13-14% ऑफ GDP. इस पॉलिसी की वजह से वो कम होकर 10% पर आ जाएगी. अब इस पॉलिसी के क्या फोकस एरियाज़ हैं, ये पॉलिसी है उसके जो फोकस एरियाज़ रहेंगे वो है प्रोसेस री इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट. और आज सीमेंट शेयरों में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है. इसके पीछे की वजह बताने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है. मानसी बताइए, सीमेंट शेयरों में तेजी के पीछे क्या ट्रिगर्स है? बिल्कुल, तो ये लगातार दूसरा हफ्ता है जबकि सीमेंट सेक्टर में धुआंधार तेज़ी हम देख रहे हैं. 5 सितंबर से अब तक के लेवल्स को अगर देखेंगे सीमेंट से जुड़ी तमाम कंपनियों ने करीब 6% से लेकर 30% तक के रिटर्न्स दे दिए हैं. इस लिस्ट में सबसे आगे जेके लक्ष्मी सीमेंट है, करीब 27% के रिटर्न्स सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने दिखाए हैं. वहीं अंबुजा सीमेंट, ACC सीमेंट जैसे स्टॉक्स में 21% से 25% तक के रिटर्न्स हमने देखे हैं. श्री सीमेंट, डालमिया भारत, इंडिया सीमेंट जैसे काउंटर्स और साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट हैं जहां पर अच्छी मजबूती नजर आई है. अब आइए इसके पीछे की वजह क्या है. देखिए, कई सारे कंसर्न्स से सीमेंट सेक्टर को लेकर जो कि अब धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं. सबसे पहले तो 5 महीनों से प्राइस कट, ये एक
रिवर्सल ट्रेंड नजर आ रहा था, जहां प्राइस हाइक की खबरें लगातार आती थी। अप्रैल के बाद हमने देखा था कि सीमेंट कंपनियों में दामों में कटौती की खबरें आने लगी थी, जो कि एक कंसर्न था। और इस वक्त सितंबर में पहली बार ऐसा हुआ जबकि प्राइस हाइक आफ्टर 5 लॉन्ग मंथ्स हमने देखे हैं, तो एक पॉजिटिव है सीमेंट के लिए क्योंकि कंपनियों में यहां पर दामों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। ईस्ट और वेस्ट के सीमेंट प्लेयर्स ने अपने प्राइजेस जो है वो बढ़ाए हैं और 20 रुपये प्रति बोरी के प्राइस हाइक देखने को मिले हैं। क्लियरली यहाँ पर हम देख रहे हैं अप्रैल में जो कांस्टेंट प्राइस कट का ट्रेंड था वो प्राइस हाइक की तरफ बढ़ता हुआ। दूसरा, इनपुट कॉस्ट एक बड़ा प्रेशर था, कंपनी के खर्चे लगातार बढ़ रहे थे, वो धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे फिर इंटरनेशनल पेटकोक प्राइजेज हों या डोमेस्टिक पेटकोक प्राइजेज हों, वो कम हो रही हैं, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है। और कंपनियों के लिए जो एक एक्सपेंस बढ़ते हुए लगातार नजर आ रहे थे वो धीरे धीरे अब कम होते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए वॉल्यूम्स में भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ सकता है आने वाले दिनों में, पर्टिकुलरली साउथ और ईस्टर्न मार्केट्स में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मेजर पॉजिटिव्स की अगर बात करें, लार्ज कैपेसिटी एक्सपेंशन की खबरें हमने देखी है, कई सारी कंपनियां केपेक्स प्लान कर रही हैं, बड़े केपेक्स बड़ी कंपनियां प्लान कर रही हैं, बड़ी दिग्गज कंपनियां सीमेंट इंडस्ट्री में एंटर कर रही हैं, तो बिग प्लेयर एंट्री का भी एक पॉजिटिव है। कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव लगातार कंपनियां अपना रही है और डेट रिडक्शन की भी पूरी कोशिश कंपनियां कर रही हैं, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो कि वैल्यूएशंस को भी आकर्षक बना रहे हैं और सीमेंट पैक को भी काफी हद तक आकर्षक बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया मानसी सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।